दोस्तों आज का ये वीडियो उनके लिए है जो मेडिकल क्रैक 2.27A यूज कर रहे हैं और ये क्रैक है 2.29A। ठीक है, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊं दोस्तों कि अगर आप मेडिकल क्रैक 2.29 को जो है इंस्टॉल करना नहीं जानते अपने कंप्यूटर में, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं किस तरह से आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह से आप जो उसका जो है सेटअप कर सकते हैं। और तीसरी बात मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं 2.29 क्रैक को, मेडिकल क्रैक को, और इसका जो स्टार्ट बटन है वो जो है वर्क नहीं कर रहा है आपके कंप्यूटर में, तो इसका भी जो सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक का देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे ईएक्स मनानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आप सोचेंगे सब्सक्राइब करने से क्या होगा, दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप हमारी अगली वीडियो को देख सकेंगे। अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियो तो वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि मेडिकल क्रैक 2.29, ठीक है, इसे अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जब इसे आप डाउनलोड कर लेंगे तो इसे आप जब एक्स्ट्रा हेयर करेंगे इसमें से दो फाइल आपको मिलेगा, और ये दोनों फाइल आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन दोनों फाइल को भी आपको एक्स्ट्रा हेयर करना होगा। जब इसे आप एक्स्ट्रा हेयर करेंगे तो आपको जो अपने कंप्यूटर का जो एंटीवायरस है इसे आपको जो है डिसेबल कर देना होगा, क्योंकि अगर आप इनेबल रखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने कंप्यूटर का जो एंटीवायरस इनेबल रखा है, तो यहाँ पे आप यह देख सकते हैं इसे जो है एक्स्ट्रा हेयर होने के लिए नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, अपने कंप्यूटर का जो एंटीवायरस है उसे हमें पहले जो है डिसेबल करना होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपने एंटीवायरस को जो है डिसेबल कर दिया है। उसके बाद हमें इन दोनों फाइल को जो है एक्स्ट्रा हेयर करना होगा, और एक्स्ट्रा हेयर करने के बाद हमें जो है इन्हें सेटअप फाइल को जो है अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं लोडर मेडिकल बॉक्स के, ये लोडर फाइल को भी हमें जो है एक्स्ट्रा हेयर कर देना है। तो दोस्तों एक्स्ट्रा हेयर करने के बाद आप यहाँ देखें लोडर मेडिकल बॉक्स, ये है फाइल है, दूसरा फाइल है सेटअप फाइल। सेटअप फाइल को पहले हमें अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा। चलिए हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं पहले। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देखते हैं ड्राइवर ले रहा है ये मेडिकल बॉक्स का, तो ये मोटिफाई पे आपको चेक लगा देना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। जो मेडिकल बॉक्स का जो ड्राइवर है वो भी इंस्टॉल हो जाएगा आपके कंप्यूटर में। तो दोस्तों हमारा जो मेडिकल बॉक्स का जो सेटअप फाइल था वो जो है हमारा जो है इंस्टॉल हो चुका है हमारे कंप्यूटर में। उसके बाद हमें करना क्या है कि यहाँ पे आप देखें लोडर मेडिकल, ठीक है, इस फाइल को हमें कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद इस फाइल को हमें जो है चले जाना है अपने कंप्यूटर पर, माय कंप्यूटर पे हमें क्लिक करना है। माय कंप्यूटर पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे अपने सी प्रोग्राम में जाना है, यहाँ पे सी प्रोग्राम में आपको क्लिक कर देना है, और सी प्रोग्राम में जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम फाइल, तो प्रोग्राम फाइल पर आपको क्लिक करना है। प्रोग्राम फाइल पर जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपका जो अभी मेडिकल सेटअप हमने चलाया था वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, उसका यहाँ पे फोल्डर है मेडिकल बॉक्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस मेडिकल बॉक्स को जो फोल्डर है इसे हमें ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस के अंदर में जो हमें यहाँ पे जो लोडर फाइल हमने जो कॉपी किया उसे हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो जैसे हमने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लोडर फाइल यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और इसके बाद हमें इस पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद इसे जो हमें अपने डेस्कटॉप पर जो सेंड कर देना है। उसके बाद हमें ये सारा का सारा जो है क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद हमें जो अपना जो मेडिकल लोडर है आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे डेस्कटॉप पे आ चुका है यहाँ पे लोडर फाइल, इस फाइल को हमें जो है ओपन करना है।
दोस्तों जैसे हम ये मेडिकल क्रैक 2.29 लोडर पर जब क्लिक किए उसके बाद इस तरह से हमारा जो मेडिकल क्रैक 2.29 है ये ओपन हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप जब इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर में उसके बाद आपका ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्ट बटन। अगर ये स्टार्ट बटन अगर आपका वर्क नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, इसे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको फिर से दोबारा अपने माय कंप्यूटर में जाना है, सी प्रोग्राम फाइल में आपको जाना है, उसके बाद आपको अपने प्रोग्राम फाइल में जाना है, उसके बाद आपको अपने मेडिकल बॉक्स के फोल्डर में जाना है, उसके बाद आपको बॉक्स डाटा में क्लिक कर देना है। बॉक्स डाटा में क्लिक करने के बाद जैसे आपने मेडिकल पे क्लिक किया उसके बाद आपको बॉक्स डाटा पे क्लिक करना है। बॉक्स डाटा पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हैंडल नाम से एक फाइल है, ठीक है। इस फाइल पे आपको क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे इस फाइल पे उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 2015-2016 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इन तीनों को जो है आपको जो यहाँ पे चेंज कर देना है, यहाँ पे आपको 2018 कर देना है। जब ये 2018 हो जाए उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में आपको फाइल में क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे देख रहे हैं सेव है, सेव एस, आपको सेव एस नहीं करना, आपको सेव कर देना है, ठीक है। जैसे सेव एस कर देंगे उसके बाद आपको दोबारा जो है अपने मेडिकल क्रैक 2.29 को आपको ओपन करना है और ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपका जो स्टार्ट बटन है वो वर्क करेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।